हाउ टू इंक्रीज रैम गाइज, आपके जो इस डिवाइस में रैम को कैसे आप जो है इंक्रीज कर सकते हैं वो चीज़ मैं आपको बताऊंगा। जैसे आप जो है फोन के सेटिंग से आप इस चीज़ को निकाल सकते हैं, रैम एक्सपेंशन देख सकते हैं। सो इस चीज़ को आप जो है इंक्रीज कर सकते हैं, डिक्रीज भी कर सकते हैं। सो यहाँ पे इसी के बारे में हम समझेंगे। अगर आप इस चीज़ पे, इस फोन पे अगर आप जो है रैम को इंक्रीज करना चाहते हैं सो कैसे आपको करना होगा। ओके, आइए इस चीज़ को पूरा डिटेल से समझते हैं। सो पहले तो जान लो कि इसका बेनिफिट आपको क्या मिलने वाला है। अगर आप रैम एक्सपेंशन कर लेते हैं यानी इंक्रीज कर लेते हैं सो इसका बेनिफिट आपको क्या मिलने वाला है। देखो, आपके पास जो वन प्लस का ये मॉडल हो या फिर वन प्लस का जो भी अलावा जो भी मॉडल यूज कर रहे हैं या फिर कोई सा भी स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं, सभी में आपको जो है रैम एक्सपेंशन का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, जो कि न्यू अभी जो है लेटेस्ट यहाँ पे डिवाइस आता है, लगभग सभी में दिया होता है। सो इस ऑप्शन का क्या आपको बेनिफिट ओरिजिनल में मिलने वाला है या नहीं। सो जैसे कि देखो, यहाँ पे एक्सपेंशन अगर आप इस चीज को इंक्रीज कर लेते हैं यानी रैम को आप बढ़ा लेते हैं सो इससे क्या होगा कि आपका फोन इतना अगर फास्ट नहीं चल रहा था, क्या होता है कि बहुत ज्यादा यहाँ पे फाइल वाइल पूरा फोटो डॉक्यूमेंट से भर जाता है। सो फोन आपका इसी हाल में स्लो हो जाता है। सो स्लो को यहाँ पे इंक्रीज करने के लिए यहाँ पे कंपनी की तरफ से दिया जाता है रैम। यहाँ पे क्या कर सकते हैं, रैम को आप जो है बहुत ज्यादा इंक्रीज कर सकते हैं। अगर 4 GB का रैम है वहीं पे अगर 1 GB भरा हुआ है, 3 GB अगर खाली है सो वो फोन आपका यूज करोगे तो देखोगे कि उसमें स्पीड आपको ज्यादा जो देखने को मिलेगा। वहीं पे अगर 4 GB रैम है और वहां पूरा भरा हुआ है सो वहीं पे आप देखोगे कि बार बार आपका फोन जो है हैंग करेगा, इतना फास्ट नहीं चलेगा। ओके, सो आपको इसलिए कंपनी दिया जाता है कि फोन पे अगर ये मेमोरी भर जाता है सो इसके अलावा भी वो इस सिस्टम को इंक्रीज करके वो फोन को फास्ट यूज कर सकते हैं। सो आइए यहाँ पे सीख लेते हैं कि कैसे इस चीज को ऑन करना है। पहले तो यहाँ समझ लिए कि आप जो है इस चीज का बेनिफिट आपको क्या मिलेगा अगर आप ऑन करते हैं। गेम अगर लैगिंग हो रहा है सो वो भी सही हो जाएगा, फोन अगर आपको हैंग हो रहा है वो भी सही हो जाएगा, कैमरा वैमरा यानी लैगिंग वैगिंग का प्रोसेस है या फिर रैम वैम का हो तो आपको मालूम ही होगा कि जो है अगर स्पेस ज्यादा नहीं रहा तो इसकी वजह से स्पेस भी इंक्रीज हो जाएगा। सो ये सब आप जो है बेनिफिट ले सकते हैं सिर्फ एक सेटिंग करने के बाद। ओके, सो गाइस यहाँ पे हम सीखेंगे कि इस चीज को हम कैसे ऑन कर सकते हैं। सो यहाँ पे हम सीखेंगे दो तरीके से निकालना। ओके, दो तरीके से इस सिस्टम के अंदर आप जा सकते हैं। काफी लोग जो है इस चीज को ढूंढ के नहीं पा रहे। सो आपको क्या करना है, यहाँ पे जो बताने वाला हूँ इस चीज को फॉलो करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना, फोन का जो सेटिंग है बस फोन का सेटिंग पे आना है। फोन के सेटिंग पे आने का नीचे की ओर आओगे, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा अबाउट डिवाइस, अबाउट डिवाइस पे आना है, क्लिक करना है। जैसे यहाँ पे अबाउट डिवाइस पे क्लिक करोगे यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, देख सकते हैं यहाँ पे आ जाओगे। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा वर्जन का ऑप्शन, इस पे आना है, क्लिक करना है। वर्जन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे ये ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे कि फर्स्ट में आपको देखने को बिल्ड नंबर, बिल्ड नंबर पे 6-7 टाइम आपको प्रेस करना है, डेवलपर मोड को आपको ऑन कर लेना है। सो अब आपको यहाँ पे आ जाना है, सेटिंग में आपको देखने को मिलेगा सर्च बार, देख सकते हैं आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपको सर्च कर लेना है डेवलपर, डेवलपर ऑप्शन इस तरह करके आप सर्च करके देखने को मिल जाएगा, बस इस पे आना है, क्लिक करना है। जैसे इस पे क्लिक करोगे यहाँ पे ये चीज आपको ऑन कर देना है अगर ऑन नहीं रहा तो। अब आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा, देख सकते हैं मेमोरी का ऑप्शन, आपको क्या करना है बस इसी मेमोरी वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे यहाँ पे क्लिक करते हैं यहाँ पे देख सकते हैं रैम एक्सपेंशन आपको देखने को मिल रहा होता है, आपको क्या करना है बस इस पे क्लिक करना है और ये ऑप्शन आपको यहाँ से देखने को मिल जाएगा। इस तरह से यहाँ से आपको क्या करना है, यहाँ पे देख सकते हैं आपके डिवाइस में हो सकता है कि पहले से अगर आप यूज कर रहे हैं जरा कुछ भरा हुआ नहीं है, न्यू फोन आप परचेज किए हैं तो इस तरह से आपको यहाँ पे जो है एक्सपेंडेड 2 GB पे आपको देखने को मिल सकता है। आपको यहाँ पे इंक्रीज करना है 4 पे, अगर 4 पे रहा सो और भी इसे अगर इंक्रीज करना चाहते हैं बहुत ज्यादा यहाँ पे जो है रैम को बढ़ाने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे 6 GB पे आपको क्लिक करना है। अलग अलग डिवाइस में अलग अलग रैम आपको देखने को मिलेगा, किसी डिवाइस में 8, 12 इस तरह के आपको यहाँ पे GB जो है देखने को मिलेगा। सो आपको क्या करना है इस तरह से आपको सिलेक्ट कर लेना है। सो यहाँ से एक तरीका को आप हो गया कि निकाल सकते हैं एंड दूसरा तरीके से जो है समझ लेते हैं कि कैसे आप दूसरा तरीके से भी इसे निकाल सकते हैं। यहाँ पे ये सेटिंग करने के बाद भी कुछ करना होता है तभी इस सिस्टम को आप यूज कर पाएंगे। सेकंड नंबर में क्या है, आपको आना है इस तरह से अबाउट डिवाइस का ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस पे क्लिक करना है। यहाँ पे स्लाइड करते हुए नीचे की ओर आओगे, यहाँ पे आपको देखने को देख सकते हैं रैम का ऑप्शन, इस पे आप जैसे ही क्लिक करोगे यहाँ पे वही सेटिंग आपको देखने को मिल जाएगा। ये तो ये हो गया शॉर्टकट तरीके से। सो इन दो तरीके से आपको जो है देखने को मिल जाएगा आप जो है अपने डिवाइस में इस रैम वाले एक्सपेंशन को आप निकाल सकते हैं। अब गाइस यहाँ पे बात कर लेते हैं सेटिंग का। जैसे कि यहाँ पे आपको इंक्रीज कर लेना है, इंक्रीज करने के बाद आपको क्या करना है अपने डिवाइस को एक बार रिबूट करना ही होगा। इस तरह से प्रेस वाला बटन आपको क्लिक करना है और अपने डिवाइस को इस तरह से एक बार रिबूट कर लेना है। रिबूट अगर आप कर लेंगे तो क्या होगा, ये सिस्टम यहाँ पे आपके डिवाइस में एक्टिवेट हो जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ पे बैक करूंगा, देख सकते हैं यहाँ पे आपको इस तरह से देखने को मिल रहा है। अगर आप नहीं चाहते हैं सो डिस्चार्ज पे आपको क्लिक करना है, अगर आप चाहते हैं तो रिस्टार्ट नाउ पे आपको क्लिक करना है। सो ऐसे इसी तरीके से आप जो है अपने डिवाइस में यहाँ पे रैम को बढ़ा सकते हैं
एंड बहुत ज्यादा अगर गेम वेम प्ले कर रहे हैं, बहुत ज्यादा आप अगर फोटो वीडियो ले रहे हैं आपके डिवाइस में भरा हुआ है, तो इस सिस्टम को आपको जरूर यूज करना चाहिए। आई होप कि आप समझ चुके हैं। अगर आपका डिवाइस में बहुत ज्यादा यहाँ पे जो रैम पूरा भरा हुआ देखने को मिल रहा था, बहुत ज्यादा आपको यहाँ पे परेशानी हो रहा था, तो इस चीज को आप जो है आपको सेटिंग को ऑन करके इस चीज को आपको इंक्रीज कर लेना है, जिसके मदद से आप जो अपने डिवाइस को बहुत ही स्मूथली आप यूज कर सकते हैं। अगर आप गेम वेम बहुत ज्यादा प्ले कर रहे हैं तो इस सिस्टम को तो जरूर आपको ऑन करना चाहिए। सो गाइस चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में नेक्स्ट किसी वीडियो के साथ। अगर आपके डिवाइस में कुछ भी यहाँ पे प्रॉब्लम हो या फिर कुछ और चीज सीखना हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट जरूर कर लेना।